हमारे देश में एक नारा बहुत पहले से चला आ रहा है, एक देश एक विधान एक निशान। अब वक्त आ गया है कि उसमें एक और चीज जोड़ दी जाए, एक लोकतंत्र एक धाम। शायद आप समझ नहीं पाए, आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारे देश का कोई भी राज्य हो, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह हमारे देश में लोकतंत्र की कीमत एक समान है, एक मुर्गा एक सीसी दारू। जी हाँ, चुनाव कोई भी हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, हर जगह लोकतंत्र की कीमत एक समान है, एक मुर्गा एक बोतल दारू यानी कि शराब। हालांकि ये बात विधायकों पर लागू नहीं होती, क्योंकि पिछले दिनों पता चला कि महाराष्ट्र के जो विधायक हैं वो 50 करोड़ में बिकते हैं और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्हें मात्र 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। मैं अपने वीडियोज़ में लगातार ये बोलता रहता हूँ कि इस देश की हालत के लिए जिम्मेदार कोई राजनीति, कोई राजनेता या कोई सिस्टम या सरकार नहीं है, बल्कि हमारे देश की जनता ही है जिसने इस देश का बंटाधार कर दिया है। दरअसल ये दुनिया डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलती है। जनता जिस तरह के सिस्टम की डिमांड करती है, ये सिस्टम अपने आप को उसी रूप में ढाल देता है। ये वीडियो तेलंगाना का है, ये माननीय विधायक है, जरा ध्यान से देखिए, सीना फुलाकर मुर्गा और दारू इस तरह से बांट रहे हैं मानो अगला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिलने वाला है। पूरा स्टॉल सजाकर बैठे हैं, देखिए कितना जबरदस्त सीन है ये। दुनिया वाले जब इस सीन को देखेंगे तो वे भी सोचेंगे कि वाह क्या देश है, क्या देश है भारत यानी कि इंडिया, जहां पर लोकतंत्र की कीमत पूरे देश में एक समान है। वे भी शर्म से डूब मरेंगे कि वे आज तक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लगा पाए। वैसे हमारे देश में ये समानता हर जगह मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश बिहार चले जाइए या फिर दक्षिण के राज्यों में चले जाइए, तेलंगाना का ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में चले जाइए या फिर राजस्थान वगैरह में चले जाइए, लोकतंत्र की कीमत एक समान है हर जगह। मगर समझने वाली बात यह है कि एक मुर्गा और एक सीसी शराब पर बिक जाने वाले ये दो कौड़ी के लोग कभी किसी देश के नागरिक नहीं हो सकते। ये भीड़ है, ये जनता है, ये नागरिक नहीं है। यदि नागरिक होने का एहसास होता तो ये लोकतंत्र को इस तरह से कूड़ेदान में नहीं डाल रहे होते। यही वजह है कि कहीं किसी नेता का बेटा किसी गरीब बिटिया का बलात्कार करके उसकी हत्या करके नहर में फेंक देता है, तो कहीं किसी नेता का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उनका कुछ नहीं होता। कोई बाबा सत्ताधारी दलों का समर्थक अपनी शिष्या का बलात्कार करता है, उसकी हत्या कर देता है, उसके परिवार को निपटा देता है, लेकिन उसका भी कुछ नहीं होता, पूरी राजशाही से अपना जीवन बिताता है और ये जनता उस वक्त तख्तियां लिए हुए सड़क पर नजर आती है। इस घटना को ट्विटर पर शेयर करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि मुर्गा और क्वार्टर पर बिकता लोकतंत्र। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए रजनीश ओशो, वे कहा करते थे कि जिस वक्त भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया गया उस वक्त इस देश की जनता लोकतंत्र के लायक नहीं थी, बल्कि उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस देश के ज़्यादातर लोग अशिक्षित हों, गरीब हों, भुखमरी के शिकार हों, वो लोग लोकतंत्र में रहने के लायक नहीं होते। बल्कि ये बात आज भी सच है, क्योंकि लोकतंत्र जागरूक लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम है। कोई भी लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी जनता अपने अधिकारों के बारे में जानती हो, उनके प्रति जागरूक हो। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में जब मैं गांव में जाकर लोगों से बातचीत करता था, खासकर महिलाओं से, तो महिलाएं खुलकर बोलती थीं और वो इस बात को एक्सेप्ट करती थीं कि उनके घरों के पुरुष मुर्गा और शराब लेकर वोट देते हैं। इस मामले में महिलाओं ने खुद को अलग रखा, उन्होंने कहा कि हम यानी कि वे महिलाएं इस तरह के घूस नहीं लेती हैं, घूस लेकर वोट नहीं देती हैं। हालांकि ये सब पर लागू नहीं होता, बहुत सारी महिलाएं घूस लेती भी हो सकती हैं, जैसे कि आजकल गुजरात से खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां महिलाओं को साड़ियां बांट रही है, ये भी एक प्रकार का घूस ही है। महिलाओं के लिए दारू मुर्गा ही समझ लीजिए। शुरुआत में राजनीति को समाज सेवा समझा जाता था, लेकिन आजकल राजनीति पूरी तरह से धंधा बन चुकी है और जहां धंधा है वहां दोनों पार्टियों का होना जरूरी है, लेने वाला भी और देने वाला भी। एक गाना भी आया था, गंदा है पर धंधा है। राजनीति के धंधे ने भारत को जबरदस्त दलदल में धंसा दिया है। वैसे आपके क्षेत्र में लोकतंत्र की कीमत क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि पूरे देश में लोकतंत्र का एक ही दाम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोकहित इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
ప్రతి ఒక్కరు ఫోటో కొట్టరా చిన్నాడు ¡Gracias!